Hey guys, welcome back to my channel everyone. This is Ankita and you're watching Food with Anku. So आज हमने निकाली है हमारी दिल्ली वाली स्कूटर दैट इज पसीनो, जिसका एक आईना हो गया टेढ़ा. कितने महीनों से टेढ़ा ही है, उसको भी तक सीधा किया ही नहीं हमने. तो अभी जा रहे हैं हम स्कूल. आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया, हमें लेट उठे और थोड़ा टिफिन भी बनाना था इसलिए लेट हो गया. तो अभी चलते हैं स्कूल पहले एंड देन मिलते हैं आपको डायरेक्टली स्कूल में. आज हमारे कैंटीन में बनने जा रहा है इडली. सांभर हमारा बन चुका है एंड अभी इडली बन रही है. चटनी वटनी सब बन चुकी है. अभी इडली पकाना बाकी है और एक साइड में बन रहा है वड़ा. वहाँ पे बन चुका है सांभर. सो अभी यहाँ पे इडली हम रख रहे हैं और इसे 15 मिनट पकाना है, बराबर ना? 15 से 20 मिनट इसको पकाएंगे. एंड फिर आज दोपहर को हमारा ऑर्डर है एक और, जो कल हमने दिया था वहीं पे हम लोग को वापस ऑर्डर मिला है, बिकॉज उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया था. तो आज है राजमा. अभी हो रहा है 9:12 और अभी हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट. आज मम्मी ने दिए थे टोस्ट. बहुत दिनों बाद खा रहे हो वैसे टोस्ट. मेरे बचपन में मज़ा आता था ये सब खाने के लिए, टोस्ट खा रही. अभी रिसेस होगा बच्चों का, फिर हमें जाना है ऊपर. हर एक लोग का हमें कैंटीन लगाना रहता है. इसका मुझे लगता नहीं कभी शूट करने मिलेगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा क्राउड होता है. सो आज हम बनाने जा रहे हैं राजमा. डंडा ज़्यादा बड़ा नहीं है इसका, बहुत ही ज़्यादा बड़ा. लंगर का खाना बन रहा है इसमें. लंगर छोटे डंडा बड़ा. बड़ा टोम है हमारा वहाँ पर है. देखो कितना बड़ा टोम है. 50-100 किलो का बटर आएगा तभी निकलता है. और ये कहना इसके लिए कम छोटा छोटी है. आज टेस्टी टेस्टी राजमा बनने वाला है. बाकी चावल और दाल रहेगा साथ में. और अभी 1:30 बजे कल जैसा हमें जाना है डिलीवर करने वापस. कल के लोगों को इतना पसंद आया कि उन्होंने बोला कि सेम मसाला रहेगा, बस चने के जगह पे राजमा रहेगा. उनको इतना मसाला अच्छा लगा था, बिकॉज इसमें हम लोगों ने काजू एंड क्या क्या डाला था, काजू करी मगज भी ये सब बॉइल करके उसको पीस के डाला था. इसकी वजह से टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है. टमाटो प्यूरी. तो इसका भी कभी अगर वापस कभी बना तो अच्छे से शूट करेंगे. आज तो नहीं मिलेगा. तो गाइस ये देखिए हमारे राजमा बन चुके हैं. बहुत ही यमी है, बिकॉज हमने टेस्ट किया अभी. बहुत टेस्टी बना है. नॉर्थ साइड में राजमा बहुत ज़्यादा फेमस है. हमने नॉर्थ में बहुत खाया था जब जम्मू गए थे, तब उसके बाद मुंबई में ज़्यादा मिलता नहीं है राजमा. और मोस्टली नॉर्थ वालों को ज़्यादा पसंद है राजमा. गाइस हमारा आज का भी ऑर्डर निकल रहा है डिलीवर होने के लिए. तो काजल आ जाएगी रिक्शा में और मैं जाऊँगी स्कूटी से, बिकॉज हमें दूसरी जगह भी जाना है. और चलो हम निकलते हैं. आया था ये छास सबके लिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ चुकी है इसलिए. मजा आ गया. हाँ नाइस. तो गाइस अभी बज रहे हैं 6:30 और अभी निकलने का टाइम हो चुका है हमारा. तो अभी फटाफट निकलते हैं घर, जल्दी जाते हैं. बहुत दिनों बाद ये टाइम पे निकलते हैं ना हम लोग. वैसे भी निकलते जाते जाते सुबह भी आते अंधेरा, जाने के टाइम भी अंधेरे ही हो जाते. अभी दहीसर पहुँचते पहुँचते मुझे आधा घंटा लगता है. हाँ बराबर, दहीसर पे हम लोग 7:30 बराबर पहुँचते हैं. फिर वहाँ से मुझे आधा पौना घंटा मेरे घर जाने के लिए लगता है. हाँ चलो चैनल. आज है क्या, थर्सडे है और अभी हम निकल रहे हैं वापस हमारे स्कूल की तरफ. अभी सुबह के बज रहे हैं 6 और हमारे सामने पता नहीं आग लगी है, पता नहीं बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है. देखो ये आग वाला धुआं है, पता नहीं कहाँ से निकल रहा है. बहुत बड़ी आग लगी है शायद कहीं से. तो ये और ये रहा
मतलब ये हम लोग ईस्ट के साइड जा रहे हैं अभी, इसलिए वहाँ पे पटरी थी और वो पहाड़ पे भी ऐसा धुआं धुआं दिख रहे थे, पर मेट्रो जा रही है, मेट्रो आवाज आ रहा है। ये है दहीसर मीरा रोड का चेकनाका, इसे हमें रोज पार करनी पड़ती है रोज सुबह। मुंबई में एंट्री करने का टोल नाका भी, मुंबई में एंट्री करने का टोल नाका है। रात से चालू होता है मीरा भाईंदर, मतलब यही से हम निकलते हैं हमारे लंबे लंबे राइड्स के लिए जो हमने किए हैं। आपको लोगों को कैसे हो रहा है? क्या आवाज सुनाई दी? चिल्लाना चिल्ला। आके स्पीड ब्रेकर देखो, देखो। सुबह सुबह ना इसको कुछ काम नहीं रहते, सिर्फ झगड़ा करती रहती। झगड़ा क्या? झगड़ा लो, झगड़ा लो। गाइस तो ये दिखाने का ना स्पीड ब्रेकर आके कैसे? ना। यहाँ पे स्पीड ब्रेकर ऐसे वाले नहीं है, पीछे पे खट्टा कर देते पूरा रोड को, वही स्पीड ब्रेकर है। बारिश में तो और बड़ा बड़ा खड्डा होने वाला। हाँ भैया, हमारे रोड बहुत खतरनाक है बाबा, बोला अचानक से खड्डे आ जाएंगे, अचानक से रोड टेढ़ा मेढ़ा है, फिर भी अचानक से बीच में बाइक आ जाएंगे। ये देखो हमारे घर, सुबह सुबह आते आते घर से मैं लाया था बनाना, तो उसी का नाश्ता अभी कर रहे हैं हम लोग। बीच बीच में हम लोग को हेल्दी रहने का मन करता है। बाद में हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग डाइट पे थे। खा खा खा। आज तो क्या बनने वाला कैंटीन में? शाम को तो चल के आती है, सुबह सुबह मेरे को खिला देती है। आज क्या बनने वाला कैंटीन में? पोहा। पोहा इज गुड फॉर डाइट। उसके बाद क्या बनने वाला है? इसके बाद पूरी भाजी लंच के लिए। That is not good. It's oily. एक डाइट खाओ, एक दिन डाइट। सुबह ना 10 बजे तक हम लोग डाइट पे रहते, उसके बाद भूल जाते कि हम लोग डाइट कर रहे। So guys, आज हमारे कैंटीन में बनने जा रहा है पूरी भाजी। So ये रही काजल पूरी बेलते हुए, और मैं भी प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो मुझे आता नहीं अच्छे से बेलने, तो ये जो है ये मैंने बेला है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो अभी बेलते हैं पूरी। अभी सेकंड पूरी ट्राई करती हूँ। गाइड कर सकते हैं कैसा करना? कम फ्लावर लगाओ, इतना नहीं। वापस भेज दो। उठा हल्के हाथ से करने का कि जोर जोर से करने? हल्के हाथ से, मेरा घूमता नहीं है। बस 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 हो गया, हो गया। हाँ बस, ये देखो मेरी कौन सा स्क्वायर प्लस सर्कल वाला पूरी है। तो गाइस अभी काजल घर को तीन उसका अपना रही है। ये घर में हमारे ऐसे ही बनता है, सीधे एक ग्लास लो और इसे मारते जाओ, बस ठोक दो। आज का व्लॉग हम यहीं पे समाप्त करते हैं, बिकॉज अभी कितने बज रहे, ऑलमोस्ट 6 बजे आ चुके हैं, और हमने 2 दिन का व्लॉग एक ही कर दिया, मतलब 2 दिन का जितना भी हमने शूट किया था वो एक ही व्लॉग में डाल दिया है, बिकॉज रोज का हमारा सेम ही दिन रहता है ऑलमोस्ट। रोज कुछ अलग अलग होता नहीं है ना, जो है रोज रिपीटेड डेज ही होता है। हाँ, इसलिए कुछ एक्साइटिंग जब होगा तब डेली व्लॉग डालेंगे, नहीं तो फिर कंबाइन करके एक ही में ऐसी कभी एक्साइटिंग जो मोमेंट रहेंगे वो डालेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और कुछ दिनों बाद यही हफ्ते में कुछ तो आने वाला है। हाँ, गेस करो क्या आने वाला है, और उस दिन पूरा दिन हम लोग बिजी भी है, वर्किंग डे। ठीक है, चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय गाइस, टेक केयर एंड Peace out.